हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षताज कुक हाउस। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि घर पर ही मोज़रेला चीज़ कैसे बनाए, वो भी विदाउट रेनेट। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए आपको चाहिए दूध, विनेगर। तो सबसे पहले देखिए, मैंने ना दूध को अलग से ले लिया है एक कंटेनर में। उसके बाद मैंने इसे सिम पे रखा है। जैसे ही दूध आपका सिम पे रखने के बाद हल्का गुनगुना हो जाए, गैस को बंद कर दीजिए। ध्यान रहिए, मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए आपको सिर्फ गुनगुना दूध चाहिए। अगर दूध ज़्यादा गर्म हो जाएगा, उसके बाद आप कर्डल करेंगे तो वो पनीर बन जाएगा। मोज़रेला चीज़ बनाने के लिए आपको हल्का ल्यूकवार्म मिल्क चाहिए। तो देखिए, मैंने इस दूध को गुनगुना गर्म कर लिया है। उसके बाद आप इसमें ये विनेगर डालिए कुछ इस तरीके से, फिर इसे धीरे धीरे चलाइए। दूध का टेम्परेचर चेक करने के लिए आप उसमें उंगली डालकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये दूध गर्डल हो रहा है। देखिए, पूरी तरीके से हमारा मिल्क कर्डल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दूध कर्डल हो गया है, इसे छान लेंगे, पानी अलग कर देंगे और जो हमारा मोज़रेला चीज है उसे अलग कर लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये पानी है, इसको आप फेंकिए मत। इसमें ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें कैल्शियम होता है, तो आप इसे डो बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो रोटी का हो चाहे वो पिज़्ज़ा डो हो। ठीक है, देखिए हम इसे अच्छे से छान लीजिए, हमारे मोज़रेला चीज़ को अच्छे से छान लीजिए। फिर इसे अपने हाथों में ले लीजिए, फिर इसका सारा पानी स्क्वीज कर दीजिए। देखिए, मैंने अब इस मोज़रेला चीज़ को बहुत ही गर्म पानी में डाल दिया है। गर्म पानी में थोड़ी देर रखने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि पानी बहुत गर्म है, तो आप देख के करिए। इसे मैंने निकाल लिया है। उसके बाद इसे इसमें से ऐसे स्क्वीज करिए, इसे स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच करने से ये मोज़रेला चीज़ बनेगा। देखिए, अभी ये ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो रहा है। इसे फिर से गर्म पानी में डाल दीजिए। इसे वापस निकाल लीजिए। इसका पानी थोड़ा सा स्क्वीज करिए,
से फिर से स्ट्रेच करना चालू कर दीजिए। आपने देखा होगा इससे पहले ही इतना स्ट्रेच नहीं हो रहा था। इसे हम फिर से गर्म पानी में डाल देंगे। अगर आपका पानी ठंडा हो जाए तो आप इसे फिर से गर्म करने रख सकते हैं। मेरा पानी यहाँ अभी बहुत गर्म है तो मैं इसी में ही करूँगी। इसे फिर निकाल लीजिए, इसे फिर से स्क्वीज करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा मोज़रेला चीज़ बनने लगा है, ये स्ट्रेच होने लगा है। इसमें से फिर से पानी स्क्वीज करिए। ये देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेच हो रहा है। अब मैं इस गर्म पानी से इस मोज़रेला चीज को निकालूंगी, इसको अच्छी तरीके से स्क्वीज करूंगी। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली स्ट्रेच हो रहा है। मैं इसको अच्छे से स्क्वीज करूंगी ताकि इसमें जितना भी पानी है वो सब निकल जाए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्ट्रेच हो रहा है ये। गर्म पानी में मैंने इस चीज़ को कम से कम 3-4 बार स्क्वीज किया है। इसके बाद आप इसे एकदम ठंडे पानी में डाल दीजिए। आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल फैल नहीं रहा है। इसके बाद ठंडे पानी में से निकाल के इसको एकदम स्क्वीज कर लीजिए अच्छे से। देखिए बन गया हमारा एकदम परफेक्ट मोज़रेला चीज़। चीज़ बनने के बाद इसे प्लास्टिक कवर में रैप कर दीजिए। आप इसे अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं, मैंने इसे राउंड शेप दिया है। इसे इस तरीके से कवर कर दीजिए, फिर इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के रख दीजिए। देखिए दोस्तों मैं आपको ये सेट किया हुआ चीज़ क्रश करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया ये ग्रेट हो चुका है। तो देखा दोस्तों आपने घर पर मोज़रेला चीज़ बनाना कितना आसान है और ये बहुत इकोनॉमिक भी है। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो क्लिक लाइक। Stay tuned for new video releases, तो subscribe ज़रूर कीजिए।